चरद टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश दी खबरां लैके मैं हां गुरविंदर संधु। मारदे नजर हुण तक दीआं सुरखियां ते। पंजाब विच 30 अप्रैल तो बाद खोल सकदियां हन दुकानां। ग्रीन जोन नूं सरकार राहत देण दा कर रही प्लान। पंजाब विच कोरोना नाल होई 19वीं मौत। हुण तक मरीजां दी गिनती 322 पहुंची। देश विच कोरोना पीड़ितां दी गिनती 28,000 दे करीब। तां दुनिया विच वी कोरोना पीड़ितां दी गिनती विच होया वाधा, पहुंची 3 लाख। मैं हां हरजीत सिंह खाकी एएसआई हरजीत सिंह दे रंग विच रंगी। हुण खबरां विस्थार नाल। सब तो पहला गल करांगे पंजाब अंदर चल रहे करफ्यू दी। पंजाब अंदर करफ्यू जारी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने फैसला लिया सीगा कि ग्रीन जोन दे विच कुछ राहत दित्ती जाएगी, जिस तो बाद देश के वक्त-वक्त हिस्सों के विच केंद्र सरकार वल्लों ऐलान किए गए छूट के हिसाब नाल कुछ राहत दी गई। पर पंजाब सरकार ने इस फैसले नूं पंजाब अंदर लागू नहीं किया सीगा। ते पंजाब अंदर जिवें करफ्यू पहला चल रहा सी, उन्हां नियम शर्तों के आधार पर ही पंजाब अंदर हुण तक भी करफ्यू जारी है। पर हुण 30 अप्रैल तो बाद पंजाब सरकार फैसला लैन जा रही है कि ग्रीन जोन नूं राहत दी जाएगी। ग्रीन जोन दे विच तरन तारण, फाजिलका ते बठिंडा ये तीन ज़िले आउंदे ने। इन्हां तिना ज़िलों दे विच दुकानां खोलण दा पंजाब सरकार प्लान कर रही है। 30 अप्रैल तो बाद ये प्लान जमीनी पद्धर ते भी लागू हो सकता है। फिलहाल पंजाब सरकार इस ते की फैसला लवेगी वो तो आने वाला समा ही दसेगा। तुहानूं दस दिंदे आं इन्हां तिना ज़िलों तो इलावा 6 ज़िले पंजाब दे अजिहे भी ने जिथे हुण तक कोरोना पॉजिटिव दे मामले तो सामने आए, पर एक्टिव केस कोई नहीं है। जां तां ओह मौत दे मुंह विच जा चुके लोग, जां फिर उन्हां दी रिपोर्ट जिहड़ी हुण नैगेटिव आ गई कि वह पूरी तरह ठीक हो चुके ने। उन्हां 6 ज़िलों दे विचों मोगा ते बरनाले तो बाद गल करांगे गुरदासपुर दी। गुरदासपुर दे विच वी एक बजुर्ग जिहड़ा सी कोरोना पॉजिटिव पाया गया सी, जिसकी मौत हो गई सीगी। कपूरथला तो भी मामला सामने आया सीगा, पर वह हुण पूरी तरह ठीक हो चुका है। जेकर गल की जाए फतेहगढ़ साहिब की, फतेहगढ़ साहिब तो भी मामला सामने आया सीगा, तो वह भी पूरी तरह ठीक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के नाल एक मीटिंग की, जिस तों बाद 3 मई तक पंजाब ते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है। उस तों बाद देश की सरकार भी कोई वड्डा फैसला ले सकती है, लॉकडाउन एक्सटेंड करने बारे भी विचार कर सकती है। मुख्यमंत्रियों के नाल मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का बहुत वधिया रिजल्ट आया है। लॉकडाउन ना हुंदा तां पीड़ितों की गिनती कितें वध हुंदी। लॉकडाउन नाल कोरोना की बीमारी नाल निजिठण लई काफ़ी हद तक सफल होए हैं, यह कहना सीगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। गल करांगे पंजाब अंदर कोरोना पीड़ितों की गिनती विच दिनों दिन हो रहे वाधे की। जलंधर तो 6 नवे होर मामले सामने आए। हुण जलंधर विच कुल मरीजों की गिनती 78 हो गई है। जेकर गल की जाए राजपुरा दे विच हुण तक 42 मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके ने। पटियाला हॉटस्पॉट लगातार बनिया होया है। राजपुरा दे विच अज एक महिला ने जिहड़ी कि कोरोना पॉजिटिव महिला सीगी, उसने दम तोड़ दिता। ये महिला पहली कोरोना पॉजिटिव मरीज सीगी राजपुरे दे विच, जिस तों बाद राजपुरे दे विच कोरोना की चैन अजिही वधी कि 42 लोग इस संक्रमण का शिकार हो गए हुण तक। हालांकि कई लोगों की हाले भी रिपोर्ट आना बाकी है। तुहानूं दस दिंदे आं कि इस महिला दे 2 बच्चे सीगे जिहड़े कि दुध दा काम करदे सीगे। जदों महिला दी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उस तों बाद इन्हां नूं क्वारंटाइन कर दिता गया सीगा। इस दौरान करफ्यू पास का भी उल्लंघन किया गया। करफ्यू पास लै बगैर प्रशासन की बिना इजाजत तो इन्हां दे बेटे शहर में दुध वंडदे रहे, जिस तों बाद इन्हां ने दुध दे नाल नाल कोरोना भी लोगों नूं वंडिया। तो 42 लोग अजिहे सन राजपुरा दे विच जिहड़े इन्हां दा शिकार होए। इन्हां दा शिकार होण तों बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कईआं दी रिपोर्ट आउणा हाले बाकी है। होर भी वध मामले इन्हां नाल जुड़े हो सकते हैं, जिसनों देखते हुए पंजाब सरकार ने इन्हां दे बेटियां दे खिलाफ़ मामला भी दर्ज कर लिया है। वड्डी खबर यह सीगी क्योंकि अज 19वीं मौत कोरोना पॉजिटिव होने तो बाद 19 लोग अजिहे सीगे जिहड़े मौत दे मुँह में जा चुके। 19वीं अज महिला जिहड़ी है कोरोना पॉजिटिव सीगी ते मौत दे मुँह में चली गई। जेकर गल की जाए हुण तक कोरोना पीड़ितों की गिनती की, तो सूबे अंदर हुण तक कोरोना पीड़ितों की कुल गिनती 322 पहुँच गई है, जिस दे विचों ठीक होने वालों का आंकड़ा भी काफ़ी है। कई ज़िले तो पूरी तरह कोरोना मुक्त हो चुके हैं।
जिन्हां दे विचों 6 जिले अजिहे ने जिथे हुण कोई भी एक्टिव मामला नहीं हैगा। गल करांगे देश अंदर कोरोना पीड़ितां दी गिनती दे विच तेजी नाल हो रहे वाधे की, हालांकि रिकवरी भी वड्डे पद्धर ते हुई है। 6000 तों वध लोग ठीक हो के आपो अपने घरां नूं जा चुके ने, जबकि कुल पीड़ितां दी जेकर गल कीती जावे तो हुण तक 27,892 लोग अजिहे ने जिहड़े इस बीमारी का शिकार हो चुके ने, जिस दे विचों 20,000 तों वध केस अजिहे ने जिहड़े हुण तक भी एक्टिव ने, जिन्हां दा इलाज चल रहा है। जेकर गल कीती जावे मरण वालियां दी तां हुण तक 872 लोग अजिहे ने जिहड़े इस बीमारी का शिकार होण तों बाद मौत दे मूँह विच जा चुके ने। गल जेकर पूरी दुनिया की कीती जावे तो हुण तक इस बीमारी दे नाल शिकार होए लोग जिहड़े ने उह 30 लख हो गए ने, यानी कि 30 लख दे करीब इहनां दी गिनती पहुँच गई है। 30 लाख लोग इस बीमारी का शिकार होए ने, जिस दे विचों एक तिहाई हिस्सा सिर्फ अमरीका का है। अमरीका दे विच करीब 10 लाख लोग जिहड़े आ उह इस बीमारी दे नाल संक्रमित ने। जे ओवरऑल दुनिया की गल की जाए तो हुण तक 2,06,000 तो वध मौतां इस बीमारी दे नाल हो चुकियां ने, जिस दे विच अमरीका दे विच सब तो वध मौतां 55,000 तो भी वध मौतां इस बीमारी दे नाल हो चुकियां ने। लगातार नवे मामले भी आ रहे हैं, 73,000 तो वध मामले जिहड़े ने उह पिछले 24 घंटिआं दे विच नवें सामने आए। 6,000 दे करीब मौतां पिछले 24 घंटिआं दे विच होईआं। स्पेन दे विच भी मौतां दा सिलसिला लगातार जारी है। स्पेन दे विच कोरोना पॉजिटिव होण तों बाद मरीजां दी गिनती जिहड़ी है उह हुण 2,25,000 दे करीब पहुँच गई है, तां मरण वालियां दी गिनती जिहड़ी है उह 23,000 दा आंकड़ा पार कर चुकी है। 24,000 दे करीब लोग जिहड़े ने उस बीमारी दा शिकार होण तों बाद स्पेन विच अपनी जान गवा चुके ने। गल कीती जावे जेकर फ्रांस दी, फ्रांस दे विच भी मौतां दा सिलसिला जारी है। 22,000 दे करीब लोग अपनी जान गवा चुके ने। इटली दे विच 26,000 तो वध लोग अपनी जान गवा चुके ने। ब्रिटेन की जेकर गल की जाए, ब्रिटेन दे विच भी लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन दे विच 20,000 तो वध मौतां जिहड़ियां उस बीमारी दे नाल हुण तक हो चुकियां ने। सूबे विच मैं हाँ हरजीत सिंह नाम की कंपेन लगातार चल रही है। अज पुलिस मुलाजमान ने अपने बैस से अपने नेम प्लेट के उत्ते हरजीत सिंह की नेम प्लेट लगाई, हरजीत सिंह नाम लिखाया। मैं हाँ हरजीत सिंह, हरजीत सिंह नूं पुलिस मुलाजम अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। हरजीत सिंह ASI हरजीत सिंह जिन्हां दी पंजाब सरकार ने तरक्की करके सब इंस्पैक्टर का अहुदा भी दे दिता है। हरजीत सिंह सब्जी मंडी दे विच निहंग सिंघां दे हमले का शिकार होए सीगे। पटियाला तो खबर सीगी, पटियाला दे विच निहंग सिंघां ने यह हमला कर दिता सी पुलिस पार्टी दे उत्ते, ते निहंग सिंघां दी तलवार का शिकार होने तो बाद ASI हरजीत सिंह का हाथ वटिया गया सी, जिस तों बाद वो हस्पताल दे विच जेरे इलाज ने, जिसनों देखते जिसना दी बहादुरी भी देखते हुए हुण DGP पंजाब पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने फैसला लिया कि मैं हाँ हरजीत सिंह नाम की कंपेन चलाई जाए, जिस दे नाल पुलिस मुलाजमान का जज्बा वधे, हौसला वधे, तो वो अपनी ड्यूटी तनदेही नाल निभा सकन, क्योंकि कोरोना वारियर दे विच पुलिस मुलाजमान का बहुत वड्डा योगदान है। पुलिस मुलाजमान ने अपने बैच के उत्ते अपनी नेम प्लेट के उत्ते हरजीत सिंह का नाम लिखा। कुछ शॉर्ट्स तुहानू दिखाने, कुछ बाइट्स भी सुनाने। साहब का एक बड़ा वधिया इनिशिएटिव है कि कोरोना की इस लड़ाई के जिहड़ा पंजाब पुलिस का योगदान है और नाल साढ़े हेल्थ वर्कर का, साढ़े डॉक्टर साहबान का, साढ़े सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, साढ़े एक बहादुर नौजवान जिन ASI हरजीत सिंह जिन्हों का एक इंसीडेंट होया सारे जानते हो, उन्हें कितनी बहादुरी के नाल जिहड़ा कि कहिंदे उस स्थिति का सामना किया। और वैसे पंजाबी बहादुर की कौम है और पंजाब पुलिस भी एक बहादुर की कौम है, तो इस करके ये साड़ी जिहड़ी उस बंदे नूं असी उस चीज़ का ये जिहड़ा समर्पण कर रहे हैं। अज का दिन साढ़े DG साहब ने सारा दिन SI हरजीत सिंह के समर्पित करने लई ये जिहड़ा योजना बनाई है और बड़ा वधिया इनिशिएटिव है, जिस दे नाल कि साढ़े इस COVID-19 के फ्रंट पर लड़ रहे जिन्हें भी साढ़े मुलाजम ने, सिविल दे ने, हेल्थ वर्करस ने।
ਕਿਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।